इन साथियों, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना साथियों, और ये बात जो हम करने जा रहे हैं ये मीडिया नहीं बता पाएगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि जनता को हमारी पूरी बात पता चल सके। देखिए, ओएसडी टू सीएम ज्वार यादव को हमारे लिपिक साथी चितरंजन साहू ने एक अच्छे एग्जाम्पल से मुंह तोड़ जवाब दिया था कि आपके जो 60 रुपीज़ हैं वो तो 35,400 हो जाते हैं, यानी उन्होंने बात जो की थी वो यहाँ की थी 1957 में, जो 60 रुपीज़ थे 1957 के अंदर, जो 1957 में जो 60 रुपीज़ थे उसकी बात की थी उन्होंने, कि ज्वार यादव जी के पास यदि 60 रुपीज़ हैं उसका मूल्य तो हो गया है उनका 35,400। आप यहाँ देख भी सकते हो 35,400 है उनका मूल्य, और जो हमारा मूल्य है वो 19,900 ही है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल से उनको समझाया गया था। तो आप नीचे भी देख सकते हो 35,400 हैं सभी के, लेकिन क्लर्क का वेतन जो है 19,900 ही है। अब सरकार ये कहना चाह रही है कि हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी MPHW और JVT का तो ग्रेड इसलिए 35,400 है क्योंकि जो ये बेसिक है एजुकेशन और हेल्थ, इसको लेकर हम आगे रहते हैं। तो इसका जवाब गलत दे रही है सरकार। यदि आप किसी का वेतन, टीचर का मान लो वेतन आप 35,400 कर रहे हो और क्लर्क का 19,900, क्या वो टीचर उतने ही घंटे काम करता है? तो क्या वो, आप एक बात बताइए, क्या वो एक घंटे का एग्जांपल लेते हैं, एक घंटे में क्या वो 2 क्लासें पढ़ा देगा एक साथ? नहीं ना। या MPHW में डॉक्टर को ही ले लीजिए, MPH का ही ले लीजिए, क्या वो डबल काम कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हो तो हेल्थ में आप या एजुकेशन में आप टीचर्स की भर्ती अधिक निकालिए, क्वालिफाइड टीचर्स रखिए। वो तो हरियाणा सरकार इसके उल्टे हैं। या फिर आप स्कूलों की संख्या को बढ़ाएं, यदि आप एजुकेशन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्कूल बनाएं, स्मार्ट बोर्ड हों, अच्छे डेस्क हों, तो ये एजुकेशन में होगा। टीचर की अच्छी पे दे रहे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन उसकी संख्या भी होनी चाहिए, जो हरियाणा के स्कूलों में आप देख सकते हो कि कितना बहुत कम संख्या में टीचर हैं, और यहाँ तक कि हरियाणा सरकार बहुत सारे स्कूल बंद भी कर चुकी है। तो आप देख सकते हो कि वो एजुकेशन पर कितना ध्यान दे रही है और कितनी भर्तियाँ वो निकाल रही है। कितने सालों से टीचर्स की भर्ती नहीं निकाली सरकार ने, आप खुद देख सकते हो। ऐसा ही हेल्थ में, हेल्थ में आप हॉस्पिटल अच्छे बनाइए, अच्छी मशीन्स, डॉक्टर की भर्ती अधिक से अधिक करें। ये होता है यदि आप एजुकेशन और हेल्थ में करना चाहते हो। यदि ऐसा करके आप बहुत गलत कर रहे हो और लोगों में भी, कुछ लोगों की बात करूंगा मैं, कुछ लोग वो भी ये कहते हैं कि जो क्लर्क है वो रिश्वत लेता है, लोगों जनता का खून चूसता है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप रिश्वत देते ही क्यों, मत दो। आप अधिकारी के पास जाओ, अधिकारी से काम करवा लीजिए। वही क्यों जाते हो क्लर्क के पास यदि वो रिश्वत की मांग करता है?
फिर आपको पता चलेगा कि अधिकारी आपको कितना फ्री में और कितनी जल्दी करवा कर देता है। ये तो वो क्लर्क ही बता सकते हैं, वो साथी ही बता सकते हैं कि उन्हें कितना टॉर्चर किया जाता है अधिकारियों द्वारा, कहां कहां उन्हें खर्चे भरने पड़ते हैं। यहां तक कि मंत्री, सरकार का कोई भी मंत्री या एमएलए आता है, उनकी आवभगत में कितना खर्च किया जाता है, ये बातें भी आप देख सकते हो। ये तो वो ही बता सकते हैं जिस पर बीतती है। यदि सरकार अच्छा वेतन देती है तो क्यों, क्या ज़रूरत है किसी को रिश्वत लेने की? बिल्कुल रुक जाएगी जो ये लोग कहते हैं कि रिश्वत लेते हैं। आप दो ही नहीं तो क्यों लेंगे वो? यदि ऐसा कोई करता भी है तो अधिकारी के पास जाकर कहो सीधा और उनसे ही काम करवा लीजिए, ये नौबत भी नहीं आएगी। और एक बात और करना चाहूँगा, मान लीजिए एक पिता के 5 पुत्र हैं और वो 5 पुत्र को में से भेदभाव करें, यानी 4 पुत्रों को ज़्यादा दें और 1 को कम दें, और उसको कारण भी ना बताए कि कम क्यों दिया जा रहा है उसको, या देकर उससे छीन लिया जाए। आप यहाँ देख सकते हो कि ये पिता के 5 पुत्र हैं, पहले उनको बराबर में बांट दिया, उनका जो संपत्ति उनकी बनती थी उन्हें बराबर बांट दी, और बाद में क्या किया उन्होंने आप खुद देख सकते हो, यहाँ उनसे छीना गया है, आप खुद देख सकते हो उनसे छीन ली गई है, ऐसा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। और जब किसी की थाली में कुछ रख कर आप छीन लेते हो तो और कितना बुरा लगता है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक ठीक था, बराबर दिया जा रहा था, लगभग थोड़ा बहुत फर्क रखा गया, यहाँ आकर भी ठीक था, 1979 में 86 में आकर छीनना शुरू किया, थाली से उठाना शुरू कर लिया हरियाणा सरकार ने। चलो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जब बहुत अधिक फर्क पड़ता है आप खुद देख सकते हो, कहाँ 19900 और कहाँ 35400 दिया जा रहा है, इतना फर्क, तो ये अन्याय नहीं तो क्या है? आप बताइए, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। प्लीज़, यदि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों।